नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में एमपी जीके की सीरीज में हम अध्ययन करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, मध्य प्रदेश के जलप्रपात। जी हां, मध्य प्रदेश के जलप्रपातों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं पिछले एग्जामों में, अगर पीआईक्यू पेपर उठाकर देखेंगे, और आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, और टॉपिक का नाम नोट डाउन कर लीजिएगा और कॉपी और कलम उठा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है और कहाँ पर लोकेशन एग्जिट, दो प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो या फिर जिला पूछ लिया जाता है या फिर कौन सी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है ये पूछ लिया जाता है। क्लियर है? तो दोनों डायमेंशन के आधार पर यहाँ पर जलप्रपातों को हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि आखिर जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है। तो जलप्रपात एक सिंपल सा है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई जलधारा जो है या किसी पर्वत या पठार के ऊंचाई वाले एरिया से गिरती, इस टाइप से अगर देखेंगे कि कोई पर्वत है या पठार या पथरीला इलाका आप समझ लीजिए, या कोई जलधारा पर्वत या पठार से गिरती है इस टाइप से ऊंचाई से, तो ये एक जो जलधारा होती है ये जलप्रपात का निर्माण करती है दोस्तों, है ना। ये जो जलधारा होती है किसका निर्माण करती है? जलप्रपात का निर्माण करती है। जब कोई भी जलधारा पर्वत या पठार से, है ना, या फिर नदी की कोई जलधारा हो या कोई अन्य भी जलधारा है, तो ऊंचाई से अगर जलधारा गिरती है तो एक वाटरफॉल का निर्माण करती है। इस टाइप से आप देख सकते हैं कि ये पर्वतीय इलाका है, पठारी इलाका है, और यहाँ से बीचों बीच से पानी की जो धारा है वो आ रही है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? वाटरफॉल बोल देते हैं। अब अलग अलग वाटरफॉल की अलग अलग ऊंचाई हो सकती है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसकी ऊंचाई सिर्फ इतनी होनी चाहिए, है ना। अलग अलग वाटरफॉल की अलग अलग ऊंचाई हो सकती है। जैसे हम मध्य प्रदेश में अब अध्ययन करेंगे कौन कौन से वाटरफॉल हैं, देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों, है ना। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी नर्मदा नदी के उद्गम के बारे में देख लेते हैं, और फिर नर्मदा नदी में कौन कौन से वाटरफॉल हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए देखिए यहाँ पर ये नर्मदा नदी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे नर्मदा नदी आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। अमरकंटक अनूपपुर जिले से इसका उद्गम होता है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर इसका प्रवाहमान है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है यहाँ पर कि वो जो जलप्रपात है वो मैंने उसी नदी पर यहाँ पर बनाया हुआ है, फिर आपके एक नजर में आपको और क्लियर कर दूंगा एग्जैक्ट लोकेशन। तो यहाँ पर नदी को क्लियर कर लीजिए, देखिए ये जो नदी है आपकी नर्मदा नदी है, और ये नर्मदा नदी जैसे उद्गमित होती तो यहाँ पर कई सारे वाटरफॉल का निर्माण करती है, जिसमें प्रमुख रूप से है कपिलधारा, स्टार्टिंग में कपिलधारा, दुग्धधारा, लक्ष्मणधारा, और ये जो वाटरफॉल है आप देखेंगे तो एक ही स्थान पर स्थित है, आसपास है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है इनकी। तो आप एक क्रम याद सकते हैं कि कपिलधारा, दुग्धधारा, लक्ष्मणधारा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा धुआंधार जलप्रपात जो भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है, बहुत ही पॉपुलर वाटरफॉल है ना, सफेद पत्थरों के लिए जाना जाता है ये वाटरफॉल, है ना। तो आपको याद रखना धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में है। दर्दी जलप्रपात की बात कर रहे हैं, ये भी दर्दी जलप्रपात भी आपका कहाँ पर है? ये आपके सॉरी कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और इसके अलावा सहसधारा जलप्रपात भी आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। सहसधारा खंडवा आदि निवाड़ की बात कर रहे हैं, सहसधारा खंडवा में। इसके अलावा खंडवा खरगोन की बात कर रहे हैं, खरगोन। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं आगे बढ़ेंगे जस्ट तो आपको गुजरात में, है ना, गुजरात में इसकी समाप्ति होती है, आपको भी पता है नदी की बहते हुए। और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं तो ये जो गुजरात वाला जो रीजन है, गुजरात में एक वाटरफॉल का निर्माण करती है नर्मदा नदी, जिसका नाम है जारवानी जलप्रपात। तो जारवानी जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही स्थित है दोस्तों, लेकिन मध्य प्रदेश के बाहर है। आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आपको नर्मदा नदी ही लगाना है, लेकिन कहाँ पर है? वो गुजरात में स्थित है। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेकेंड जो नदी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों, चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम आप सभी जानते होंगे मालवा क्षेत्र से होता है, मालवा पठारी क्षेत्र से होता है, इंदौर वाले रीजन से, है ना। तो चंबल नदी में भी प्रमुख रूप से जलप्रपात है जो पास पास ही अगर देखेंगे तो उद्गम वाले इलाके में देखेंगे तो उद्गम से कुछ ही दूरी में तीन वाटरफॉल कंटिन्यू आपको मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने ऊपर उल्लेख कर रखा है इस सीरीज में। एक आपको शीतला माता जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, जो कि शीतला माता जो जलप्रपात है वो ये भी आपका इंदौर में है। पाताल पानी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वाटरफॉल, ये इंदौर का एक विशेष पर्यटक स्थल भी माना जाता है पाताल पानी जो है ना।
पाताल पानी वाटरफॉल चंबल नदी पर ही है, और इसके अलावा झाड़ीदहा जलप्रपात। तो ये तीनों की तीनों जो वाटरफॉल है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में है, मालवा पठार पर है स्थित है। और कौन सी नदी में है अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है चंबल नदी दोस्तों। क्लियर है? चलेगा। चंबल नदी को अगर ऊपर देखेंगे तो चंबल नदी ये ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है आपको। चंबल नदी में ही ऊपर अगर देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है आपका, ये राजस्थान वाला इलाका है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। और राजस्थान में चंबल नदी एक वाटरफॉल का निर्माण करती है जिसका नाम है चुलिया, चुलिया जलप्रपात। ये आप देख सकते हैं, है ना, चुलिया जलप्रपात है। विशेष रूप से आपको नोट डाउन करना है। तो एक तो मध्य प्रदेश के बाहर जो जलप्रपात है आपका, सॉरी, मध्य प्रदेश के जो बाहर जलप्रपात है, एक तो जारवानी जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है, गुजरात पर है। और दूसरा जो है आप बाहरी जो जलप्रपात मध्य प्रदेश के बाहर अगर देखेंगे तो ये है आपका चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान वाले रीजन में आता है। क्लियर है दोस्तों? सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब ये वाला जो रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर रीवा वाले क्षेत्र में देखेंगे तो रीवा से मऊगंज जो बना हुआ है, ये वाले रीजन में आपको वाटरफॉल छोटे फोटे बहुत ज्यादा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मुख्यतः आपको याद रखना है कि जो वाटरफॉल है यहाँ पर, जो मध्य प्रदेश का सबसे जो बड़ा वाटरफॉल है, ये है आपका दोस्तों बहुटी जलप्रपात, है ना, बहुटी जलप्रपात। थोड़ा सा एक खत्म हो चुके हैं, एक सेकेंड, है ना। चलिए, बहुटी जलप्रपात आपको नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुटी जलप्रपात जो कि सेलन नदी पर ही स्थित है, और ये जो है मध्य प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल है। एक मिनट, ये देखिए, ये जो है बहुटी जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचाई वाला वाटरफॉल है। सबसे इसकी ज्यादा हाइट है सबसे ज्यादा वाटरफॉलों में मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो। बहुटी जलप्रपात आपको याद रखना है, जो सेलन नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, जिसकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी है, वो 98 मीटर है, आपको हाइट याद रखनी है। वही अगर दूसरा वाटरफॉल देखेंगे मध्य प्रदेश का, दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन है, तो सेकंड नंबर में जो आता है वो चचाई वाटरफॉल आता है, जो बीहन नदी पर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, है ना। यहीं पर आपको पूर्वा जलप्रपात भी आपको देखने को मिलेगा इस लाइन में, है ना। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा वाटरफॉल मध्य प्रदेश का कौन सा है, बहुटी जलप्रपात, है ना। जो आपका, आप देखिए, बहुटी जलप्रपात के संदर्भ में क्वेश्चन आप लोग गलत कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुटी जलप्रपात पहले रीवा जिले में आता था, अब रीवा से मऊगंज को अलग कर दिया गया है दोस्तों, है ना। तो अब ये मऊगंज जिले में आने लगा, मैंने पहले लिख दिया यहाँ पर कि बहुटी जलप्रपात किस जिले में आएगा दोस्तों, ये मऊगंज में आएगा, मऊगंज जिले में आएगा। क्लियर है? तो आपको याद रखना है, वही चचाई जलप्रपात आपको याद रख लेना, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है, और इसकी जो हाइट है आपको याद रखना है दोस्तों 130 मीटर है। तो पहला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है आपका, बहुटी जलप्रपात, बहुटी से बहुत बड़ा आपको याद रख लेना है। क्लियर है? ये ट्रिक है, बहुटी से बहुत बड़ा आपको याद रख लेना, 198 मीटर इसकी हाइट है, और सेकंड जो लार्जेस्ट है वो आपका चचाई वाटरफॉल है, जो 130 मीटर इसकी हाइट है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब बात कर लेते हैं यहीं पर आएंगे तो ये जो नदी है आप देख पा रहे होंगे, केन और खद्दर नदी पर एक विशेष रूप से जलप्रपात निर्मित है जिसे रने वाटरफॉल बोलते हैं, है ना। रने वाटरफॉल ये छतरपुर वाले रीजन में आता है, छतरपुर जिले में आता है, है ना। केन और खद्दर केन की एक सहायक नदी है आप बोल सकते हैं, और ये जो है रने वाटरफॉल छतरपुर जिले में है, विशेष रूप से आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में, वैसे आप देख पा रहे होंगे। वहीं मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आएंगे तो एक लाइन आप देख पा रहे होंगे विशेष रूप से भालकुंड जलप्रपात है जो राहतगढ़ में है, आपको यार इसी राहतगढ़ जलप्रपात भी बोल देते हैं, है ना। और ये बीना नदी में स्थित है दोस्तों। क्लियर है? तो भालकुंड जलप्रपात बीना नदी में है, विशेष रूप से याद रखेंगे। जस्ट यहाँ पर आएंगे तो ये पार्वती नदी है जो चंबल की सहायक के रूप में जाती है, और फिर ये जो नदी है विशेष रूप से एक वाटरफॉल का निर्माण करती है जिसे आप सुल्तानगढ़ वाटरफॉल बोलते हैं। क्लियर है? तो आपको सुल्तानगढ़ वाटरफॉल पार्वती नदी में, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। क्लियर है? तो यहाँ से सारे जो वाटरफॉल है हमने ये देखा कि कौन सा वाटरफॉल कौन सी नदी पर स्थित है, और कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा वाटरफॉल है, फिर इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन है, ये सारी चीजें हमने क्लियर किया है। अब हम यहाँ पर दो मिनट में सिर्फ एक नजर में वाटरफॉल का लोकेशन यानी जिला याद कर लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक नजर में सारी चीजें लिख दिया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। पहले नंबर केवटी जलप्रपात की बात कर लेते हैं, तो केवटी जलप्रपात जो है आपका रीवा जिले में है, है ना। और वही हम बात कर रहे हैं हम बहुटी जलप्रपात, पहले क्लियर कर लिए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाटरफॉल है जो कि मऊगंज जिले में स्थित है, आप, है ना, करंट में बात कर रहे हैं। वही हम बात कर रहे हैं कोंडा जलप्रपात,
पांडव जलप्रपात जो है ये दोस्तों पन्ना नेशनल पार्क के अंदर स्थित है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत पॉपुलर वाटरफॉल है ये, है ना। और ये जो है आपका पन्ना में स्थित है दोस्तों। गाथा जलप्रपात जो है ये भी पन्ना जिले में स्थित है। कपिल धारा, दुग धारा, लक्ष्मण धारा, धुआं धारा, है ना, ये सारे के सारे जो वाटरफॉल हैं, जहां पर मैं एक ट्रक बता देता हूँ, जहां पर लगभग मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ कि राज जो शब्द आता है उस वो जो वाटरफॉल अगर पूछा जाता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो नर्मदा नदी लगा सकते हैं अगर कोई ट्रैक आपको याद नहीं आ रही है ना, याद नहीं आ रहा है तो देख सकते हैं ना, मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। धारा लगा हुआ धारा है, इसमें भी धारा है, लगभग ज्यादातर ये वाटरफॉल में धारा लगा हुआ है, तो धारा वाले जो वाटरफॉल है लगभग नर्मदा नदी पर ही स्थित है, क्लियर है। तो धुआंधार जलप्रपात पॉपुलर है दोस्तों, सफेद संगमरमर के लिए जाना जाता है, है ना। वाटरफॉल भेड़ा घाट जबलपुर में स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना है, है ना। ये कहाँ पर है धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी जबलपुर में स्थित है। दर्दी जलप्रपात, ये आपको पहले क्लियर किया है कि दर्दी जलप्रपात भी नर्मदा नदी पे है और ये कहाँ पर है आपके खंडवा में स्थित है, है ना। और इसके अलावा आएंगे तो गंगोलपारा जलप्रपात जो है दोस्तों, ये विशेष रूप से बालाघाट में स्थित है, बालाघाट वाले रीजन में है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं पूर्वा जलप्रपात की बात कर रहे हैं, रीवा जिले में है। सहज धारा जलप्रपात जो है कि आपका कहाँ पर है, खड़गोन में है। तो ये आपको एक नजर में आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा और सारी चीजें यहाँ तक क्लियर भी हो चुकी होंगी। सो आई होप आज के इस वीडियो में सारी चीजें आप समझ पाए होंगे और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पहली बार चैनल में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।